सब का टैक्स लेकर के, तो एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जहाँ पर काम नहीं हो रहा और कहाँ का कितना हो रहा? अब डॉक्टर्स का देख रहे हैं ना कि कितना हो रहा है, कितना लोग मेहनत किया है एक एक चीज़ में। पुलिस का देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ पता है, बात करते हैं अपने कुछ लोगों से, कुछ कुछ बुलवाता है, उसको मालूम है। आप देख रहे हैं कि अब पुलिस में भी महिलाएं कितनी है, कि कैसे आ गई महिलाएं। अच्छा, इन लोगों के समय में तो कुछ था नहीं, और अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, हम लोगों ने चुनाव आरक्षण दिया ही, और उसका जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ है, आप जरा देख लीजिए कि सब काम चल रहा है। और कोरोना का ये दौर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, और तेज़ी से सारा काम होगा। तो एक एक चीज़ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो कोई काम से मतलब है नहीं। अंदर रहना है, वहीं से सबको फ़ोन करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसे लोगों का क्या है? लेकिन ज़रा जवाब तो दे, 15 साल में क्या किया, कितना सड़क बनवाया, क्या बिजली का किया, क्या स्कूल में पढ़वाया किसी को, क्या स्थिति थी अनुसूचित जाति की, जनजाति की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समुदाय की, महिलाओं की, बाकी सबको, और कितने लोगों को भगाए थे यहाँ से, व्यापार करने वाले लोगों को, इलाज करने वाले लोगों को, कितने लोगों को भगवाए थे, और उसके बाद क्या स्थिति आई है। इसलिए सब लोग जानते हैं, समझ गए ना? हम तो पहले भी कह दिया, आजकल तो वो शुरू हो गया है ना कि सब लोग अपना मोबाइल पर इधर से उधर कुछ करके बात करना, जो सारी बातें सब लोग, हमको इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं। और हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ना असेसमेंट करिए, और जहाँ पर भी कोई कमी होता है एक चीज़ को देखने का, अगर आप बताइए तो जो कुछ भी होता है, लोगों को कभी कोई चिंता थी? जब बाढ़ से प्रभावित होता था, सुखाड़ से प्रभावित होता था, क्या देते थे, कुछ करते थे? अब हम लोगों ने आपदा का जो काम शुरू किया 2007 से ही, तो किस तरह से आपदा का सब काम, और इस बार भी जहाँ कहीं भी जो प्रभावित हुआ एक एक चीज़ को देखना, हर प्रकार से हम लोग एक एक चीज़ में काम करते हैं। और आप जितना तक जो कुछ भी हम लोगों ने वादा किया, अब बोलिए, पानी पहुँचा दिया लगभग पूरा, शुद्ध पेयजल, शौचालय का निर्माण, तो एक एक काम जो हुआ है, किस तरह से स्कूलों का निर्माण, लड़कियों को हम चाहते हैं कि सब इंटर तक पढ़ जाए, हर पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई का प्रबंध, ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं, उसको पता चलता है। ये कुछ भी बोलना ऐसे ही, कुछ एक आध लाइन बोल देना, खूब पब्लिसिटी लेना, हाँ हम पर बोलेगा तभी ना पब्लिसिटी मिलेगा, हम पर नहीं बोलेगा तो क्या पब्लिसिटी मिलेगा। इसलिए स्वाभाविक है, करो जो इच्छा करे करिए, हम लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और हम सब लोग गए, सारे लोग देखे, कहाँ गए भाई, जरा बुलवाइए, उनसे भी पूछिए, आप निकल गए, उधर से निकल गए, अच्छा, नहीं तो और लोग भी जो साथ में थे, यहाँ से तो आना पड़ता है तो अलग हो जाना पड़ता है, कोई ये चुनावी चीज़ है, इसलिए तो इसलिए हम सब लोग जनता की सेवा करते हैं। और आप लोगों को मालूम है, हम हमेशा कहते हैं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इतने दिन से कर रहे हैं, यही करेंगे। जनता की जो भी इच्छा, वही मालिक है, वही तय करती है, हम लोगों को इसके अलावा क्या सोचना है। लेकिन दो लोगों की मृत्यु हो गई, एक का कोरोना के कारण और एक व्यक्ति को अन्य प्रकार से, ये दुखद चीज़ थी, ऐसी कोई आयु भी नहीं थी। अब उसके बाद लोगों के बीच में आज चुनाव हो रहा है, तो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, जिनको जिताए थे उन्हीं को। अब आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं और आपस में भी क्या क्या बात करते हैं, हमको कोई दिलचस्पी है कि कौन क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा जनता पर है, उन्हीं के सेवक हैं हम लोग, और हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए अपना आगे बढ़ाने के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। इसलिए ये सब चीज़ तो सबको मालूम है, इसलिए कौन क्या बोलते हैं हम पर, बोलते रहें। इसलिए तो हमने आप लोगों को कह दिया कि ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग आज भी यहाँ पर पहुँचे।